हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। ओमेगा 3 के इतने सारे फ़ायदे हैं कि अगर आप इनको जानेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आप अपने खाने में ऐसा क्या खाएं कि आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। ओमेगा 3 एक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसे शॉर्ट में पूफा भी कह सकते हैं। ओमेगा 3 में मेनली 3 तरह के मेन फैटी एसिड पाए जाते हैं। इन्हें आसान भाषा में ALA, DHA और EPA भी कह सकते हैं। जो ओमेगा 3 हमें वेजिटेबल या प्लांट सोर्स से मिलते हैं, उसमें मेनली ALA पाया जाता है। ALA का फुल फॉर्म है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये वॉलनट, चिया सीड, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, फ्लैक्स सीड, हेम्प सीड आदि में पाया जाता है। ALA एक एसेंशियल फैटी एसिड है। हमारा शरीर ALA के लिए फूड पर डिपेंड रहता है। हमारे शरीर में ALA से DHA और EPA बनाने की कैपेसिटी होती है, परंतु ये लिमिटेड होती है। इसीलिए अगर डाइट से DHA और EPA भी मिलता है तो हमारे शरीर के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिश, सीवीड, एल्गी में DHA और EPA ज़्यादा पाया जाता है। फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दोनों ही ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं। सीवीड एक तरह के बड़े एल्गी होते हैं, जो समुद्र के किनारे और समुद्र के किनारों की चट्टानों पर पाए जाते हैं। फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल DHA और EPA ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं, परंतु जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए DHA और EPA का मेन सोर्स सीवीड्स होते हैं। मार्केट में सीवीड्स बेस्ड DHA और EPA रिच कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, जो फिश ऑयल के कंपेयर में थोड़े कॉस्टली हैं। जो भी लोग वेजिटेरियन हैं वो प्लांट सोर्स पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट सोर्स में ओमेगा 3 का केवल ALA होता है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है। DHA और EPA काफ़ी कम अमाउंट में होता है। DHA ब्रेन और आइज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। DHA ब्रेन और आइज़ के मैक्यूला में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए DHA हमारे ब्रेन और आइज़ की हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कुछ स्टडी बताती हैं कि अगर ओमेगा 3 को रेगुलर लिया जाए तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उन लोगों का ब्लड प्रेशर कुछ कम हो जाता है। ये आपको बता दें कि ओमेगा 3 का रोल सपोर्टिव है। इसके लिए आपको अपनी रेगुलर मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा ही बढ़ा होता है, शायद उनकी मेडिसिन कुछ समय बाद बंद हो जाए, और जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहता है उनकी मेडिसिन का डोज़ कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराते रहना चाहिए। स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि रेगुलर ओमेगा 3 लेने वालों में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। ये भी देखा गया है कि ओमेगा 3 लेने से स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है। ओमेगा 3 को रेगुलर लेने से जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, पर LDL और HDL पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ओमेगा 3 को रेगुलर लेने से जिन लोगों में डिप्रेशन की कंप्लेन होती है उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर में भी ये काफ़ी यूज़फुल है। बाइपोलर का मतलब है जिन लोगों में डिप्रेशन के साथ साथ मेनिया की भी शिकायत होती है। मेनिया काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, ये डिप्रेशन का उल्टा होता है। जिन बच्चों में ऑटिज़म और ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की परेशानी होती है उनमें भी ओमेगा 3 काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ओमेगा 3 का एक फ़ायदा और भी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जिन लोगों को जॉइंट पेन,
स्वेलिंग आदि की परेशानी होती है, उन लोगों में ओमेगा 3 लंबे समय तक देने पर काफ़ी फ़ायदा होता है। ओमेगा 3 लेने से इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे CRP, TNF अल्फा का लेवल भी कम हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को क्रोनिक जॉइंट पेन या किसी और तरह की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ओमेगा 3 को लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह इसीलिए बताई गई है कि कभी कभी इसका कुछ मेडिसिन से इंटरैक्शन हो सकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो वीक में 2 बार फिश खा सकते हैं, इससे उनको ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो लोग फिश नहीं खा पाते हैं वो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ओमेगा 3 की मैक्सिमम डोज 3 ग्राम पर डे होती है। आमतौर पर 1 ग्राम का कैप्सूल आप दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। ओमेगा 3 की ज़्यादा डोज लेने पर आपको मछली की तरह का टेस्ट फील हो सकता है, क्योंकि ये फिश ऑयल से बनाया जाता है। इसके अलावा इसकी ओवरडोज से स्टमक अपसेट भी हो सकता है, कुछ लोगों को नौजिया भी हो सकता है। ओमेगा 3 की ज़्यादा डोज ब्लड क्लॉटिंग को भी अफेक्ट कर सकती है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।